No es muy fácil. Ne, इस बार बार जितना है आपकी तरफ से ऐसे 40 साल पहले किया ये 40 साल बड़े होंगे क्योंकि तुसे लोग हैं ऐसे ऐसे शानदार तरीके से जिताया मैं सारे भाग कर ले और आपका निवास करना चाहना कि इस उदों को चुनाव के लिए जिसे कठुआ जिला माहौल दो ही हैं कि उदों को रहा है कि दोगा है कि और सारे लोग उन्हें इस तरीके से भी कामयाब रहा है 1960 में मैं जिसमें अपनी राजनीति शुरू की थी साथ में मुझे बताइए कि जेडी के दिया तो जनता के मैं मिनिस्टर बन गया इंदिरा गांधी का फिर 1970 का तरीके से जिताया फिर 70 का तरीके से जिताया फिर 80 में तुसे जिताया बड़े बड़े खतरनाक इलेक्शन रहे क्योंकि तुसे लोगों हमेशा का आसार देता और मैं बड़ा मजबूर आता हूँ और मैं थोड़े लोग हैं थोड़े बुजुर्ग मीटिंग जो इसलिए नहीं आए थे या जो भी पुराने लोग हैं भी उनसे सारे का बड़ा सा निर्देश करता है ना उसके बाद 84 के बाद एक गैप चली गया 40 साल का मैं वैसे काम करता रहा जम्मू कश्मीर जो भी सारे भारत वर्ष से कोई अमेरिका वैसे बन गया कोई यूनेस्को गया दुनिया सारा काम कर दिया इस फर्क में मैं रिटायर हुआ राज्यसभा को चार दफा लोकसभा चार दफा राज्यसभा ऐसे सोचा कि लोगों ने कितने जोड़ा जाए लोगों ने कहा सम्मान थोड़ा आसान नहीं है थोड़ा सारा सम्मान जोड़ा वो जैसे भी रियासत बनी थी उस वजह से सारा सम्मान जोड़ा कई पुस्तक जोड़े तो मैं जानना था कि इसी मुनि जोड़े गए हैं चुनाव से विक्रमादित्य सिंह उन्हें अपनी राजनीति त्याग दी थी छोड़ दी थी कांग्रेस में भी आए हुए और नहीं हुए इसे कांग्रेस ने राहुल गांधी ने खरीदा मेरी जगह जिसे मैं खरीदा हूँ चार बार जिसे उसने नहीं जिताया उसे वो कि मेरी तो इच्छा में एक आशा है कि उसे उसे डरा ले लोगे ठीक हो उसे ठीक हो लोगे नहीं डरा उसे डर भैया भैया इसे मैं ना जितना तो भी बोलना रेडियो पर फायदा तो नहीं बोलना और जंगल में मोर नाचा किसने देखा इस करिए मैं इस दफा तो अर्जुन में प्रार्थना कर रहा हूँ इस सब पुराना संबंध देखो रोल बिल्कुल नहीं यार छोड़ दे कोई बोल एक मिनट सर थले देखियो सर आज की दौर की राजनीति आज की दौर की राजनीति और आपके समय की राजनीति में कितना फर्क महसूस करते हैं देखो फर्क तो है लेकिन जो लोगों की मांगे हैं वो तो वही है वो चाहते हैं कि एक स्वच्छ यहाँ सरकार बने तरक्की हो शिक्षा है सड़कें हैं स्कूल हैं लोगों की मांगे वही हैं सिर्फ ये है कि संख्या जनसंख्या बहुत बढ़ गई है उस वक्त से आपकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है टेक्नोलॉजी नहीं थी जब पहले पहले हम आते थे लेकिन लोगों को मुझे लगता है वैसे ही है और जितनी हम तरक्की सोचते थे कि इन्होंने की होगी इतनी हुई नहीं 5 साल तो लोगों की मांगे वहीं की वहीं हैं सर जी डोगरा जवान की मांग रही है सर डोगरा सर्टिफिकेट वो पता नहीं डोगरा देखिए डोगरा जी पानी मैं बोला ना बड़ी मुश्किल करने असें इसी संविधान में पाया तुम्हें पता भारतीय संविधान में डोगरी नहीं होंगी असें डोगरी एडमिशन कराई 8वीं शेड्यूल में वो बड़ी बड़ी गल है हूँ जी अगे स्थानीय मसले उनके बारे में ज़्यादा नहीं आखी सकना लेकिन डोगरे में आती है कांग्रेस तो क्या मैं उसको पता नहीं आया कांग्रेस की नाम से क्योंकि मैंने स्टडी नहीं किया है वो क्या प्रॉब्लम है डोगरों की काफ़ी वर्षों से मांग रही है महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस की छुट्टी होनी चाहिए ना वही इसके बारे में बात कर बापू जी की सालगिरह पर होनी चाहिए छुट्टी तो हमारे बेटों ने आपको याद होगा छोटे बेटे ने दोनों बेटे ने वो बीजेपी में है विक्रमादित्य कांग्रेस में है उन्होंने मिलकर अपर हाउस में एक रेजोल्यूशन भी पास करवाया कि भाई होनी चाहिए छुट्टी लेकिन मुझे एक बार आपको पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी 3.5 साल तो सरकार में रही ना 3.5 साल अब तो पीडीपी के ऊपर सारा दोष डाल रहे हैं लेकिन ये खुद रही 3.5 साल उन्होंने क्या किया क्यों नहीं किया जब मीटिंग करनी होती है तो बापू जी की स्टैचू जो है पुल के ऊपर वहाँ खड़े इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन फिर किया क्यों नहीं उन्होंने उन्होंने कैबिनेट में लाया है मामला नहीं लाया डोगरों के सम्मान को लेकर बहुत सारे नेता मैदान में कूदे हैं चुनाव में लोकसभा चुनाव में क्या कहेंगे
कुछ नहीं, डोगरा का सम्मान बढ़े, मैंने जैसे कहा हमारे वो भी हमारे अजीज हैं जो कूदे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस वक्त इस बार हमें अवसर मिलना चाहिए। उनको पहले अवसर मिल चुका है लेकिन दो दो बार, इस बार हमें एक अवसर मिलना चाहिए। देश भर में चौकीदार की राजनीति गरमाई हुई है, क्या कहेंगे चौकीदार पे आप? अब ये कहते हैं भाई हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये कहते हैं या पकौड़े बेचो या चौकीदार बेचो। कोई मैंने कहा ना, दुर्भाग्य है, सर्जिकल स्ट्राइक का किया एयरफोर्स ने किया, उसका हम कोई कोई उसका वो विरोध नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो उसका राजनीतिकरण किया ना और छाती कटाती इतने हमने मारे, उसकी वजह से ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू। क्या लगता है कितनी सीटें जीत पाएगी कांग्रेस लोकसभा चुनाव? हाँ हाँ, ये तो भाई अब मैं 15 दिन 10 दिन से जम्मू बैठा हूँ कि जब मैं देहलू पहुँचूँगा तो वहाँ पूछ रहा हूँ। ये कांग्रेस बहुत बढ़ेगी, बहुत अच्छा बढ़ेगी, एक ऐसा मुझे विश्वास। देश के युवाओं के लिए क्या नया होगा अगर कांग्रेस? युवाओं के लिए आपने पढ़ाया, इतना बड़ा मैनिफेस्टो निकाला हमने, अब मैं क्या बताऊँ आपको, लेकिन ये है कि हम पूरी कोशिश करेंगे। हमने विक्रमादित्य को, उनके बेटे को इसलिए उतारा कि छोटा मेरा पोत्रू है वो यूथ के साथ घूम रहा है सारा, तो यूथ की जो मांगे हैं, यूथ के दिल की जो धड़कने हैं, उनकी तर्जुमानी ये लोग करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हटाने की बात कर रही है, अब मुझे अब उस पर, अब मैंने नहीं किसके बारे में कुछ और